हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ जेएमएम ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। 15 फरवरी से जेएमएम न्याय यात्रा शुरू करने जा रहा है। 15 फरवरी को बापू वाटिका के पास जेएमएम कार्यकर्ता उपवास पर बैठेंगे। यही नहीं, जिलावार उपवास कार्यक्रम भी तय किया गया है। जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि हेमंत सोरेन को जेल तक छोड़ने पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जाएंगे। उन्होंने कहा कि धूम कोडिया में हेमंत सोरेन को लेकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। देखिए, वर्तमान में जो राज्य में राजनीतिक परिस्थिति है, इस परिस्थिति से हम आप ही नहीं पूरा राज्य इसकी जानकारी रखता है। जिस तरह से लोगों में आक्रोश देखने को मिला, सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों में ही नहीं, और उस आक्रोश का परिणाम है कि लोग स्वतः हेमंत सोरेन जी के आवास के पास राजभवन के तरफ में दल के बैनर को लेकर के लोग इकट्ठा होने लगे और अपने आक्रोश का इजहार भी करने लगे। हम लोगों को इसकी सूचना मिलती है, चूँकि ये केंद्रीय कार्यालय है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो अब हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि इन सारे लोगों को संयमित रखते हुए और हम कार्यक्रम को संचालित करें। और इसीलिए राज्य के सभी पंचायतों में प्रतिदिन न्याय यात्रा निकलेगा। रांची में उपवास का कार्यक्रम होगा, वार्ड के अंतर्गत भी न्याय यात्रा निकलेगा, और जिला के जो पदाधिकारी हैं, जिला के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी इच्छा है कि लोगों का जो दबाव हम लोगों के ऊपर में है तो उनको पूजा पाठ इबादत करने की अनुमति दी जाए। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आप अपने स्तर पर इसका निर्णय लें, लेकिन कोई भी कार्यक्रम अगर हो तो संयमित ढंग से उसको करना है। आम आवाम को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और कार्यक्रम को आप संचालित करें। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए राजेश, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई 31 जनवरी को, उसके बाद से जो है लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा था जेएमएम के कार्यकर्ताओं में, और अभी देखिए जेएमएम ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है और 15 फरवरी से जेएमएम जो है न्याय यात्रा शुरू करने जा रहा है। नहीं देखिए, कई कार्यक्रम जो है वो तय किए गए हैं पार्टी के तरफ से, और तमाम कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं पार्टी पर दबाव था कि आप इस तरह के कार्यक्रम की इजाज़त दीजिए, तो उसको लेकर एक पूरा जो कार्यक्रम का रूपरेखा है वो तैयार किया गया है। पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता जो है वो न्याय यात्रा निकालेंगे। बीजेपी के षड्यंत्र को जो आरोप लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा का लगता रहा है, उसको लोगों के बीच ले जाने का काम किया जाएगा, और अपने जो वोटर हैं उनको गोलबंद कैसे किया जाए वो भी एक कोशिश होगी इस पूरे कार्यक्रम के जरिए। कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है, कल 15 फरवरी है और कल उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। रांची जिला कमेटी जो है उनके जो कार्यकर्ता हैं वो मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष धरना पर बैठेंगे, उपवास पर रहेंगे, और यहीं से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो ये जो कार्यक्रम तय किया गया है ये जिलावार कार्यक्रम होगा। हर जिले में पंचायत स्तर पर पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो जाएंगे, लोगों को गोलबंद करेंगे और बीजेपी के षड्यंत्र से लोगों को वाकिफ कराने का काम करेंगे, अपने वोटरों के बीच पहुंचने का काम करेंगे। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही आप लगातार देख रहे होंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं नाराजगी है, और वो नाराजगी कई बार सड़कों पर देखने को मिला भी, चाहे ईडी दफ्तर के बाहर हो, मुख्यमंत्री आवास के बाहर हो, या फिर न्यायालय में जैसे ही उनको लाया जाता है तो उस दौरान भी हजारों की तादाद में कार्यकर्ता रहते हैं। तो पार्टी ने एक रणनीति के तहत एक कार्यक्रम तय किया है और वो कार्यक्रम जो हो वो जिलावार होगा, यानी तमाम जिलों में इस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता न्याय यात्रा करेंगे, उपवास का कार्यक्रम होगा, और ये चीजें जो हैं आप कह सकती हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव तक ये चीजें जो हैं इसी तरीके से चलती रहेंगी। अनुष्का, राकेश क्या लगता है, जिस तरीके से उग्र दिख रहे हैं जेएमएम के कार्यकर्ता है, समर्थक सभी है, तो ये आंदोलन जो है क्या इतना लाभकारी होगा, क्या इनका ये आंदोलन इतना असर करेगा?
देखिए पार्टी की एक कोशिश है कि लोगों के बीच में जाया जाए और एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर जो चीजें हो रही हैं, खासतौर पर ईडी का शिकंजा जिस तरीके से कस रहा है, कई मामले उनसे जोड़े जा रहे हैं, तो एक जो छवि रही हेमंत सोरेन की उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो वो छवि कैसे ठीक की जाए, क्योंकि चुनाव सामने है, तो उससे पहले अपने नेता की छवि को सुधारना भी है और लोगों के बीच में ये मैसेज भी देना है कि देखिए ये सब कुछ एक पोर्ट्रेट है, ये सब कुछ एक रणनीति के तहत, स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी कर रही है ताकि चुनाव में उसको लाभ मिल सके। तो इन्हीं मैसेज के को लेकर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो अब लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को गोलबंद करेंगे और अपने नेता की छवि को सुधारने की कोशिश की जाएगी। अनुष्का बिल्कुल, चलिए राकेश, तो देखिए जिस तरीके से आंदोलन अब शुरू होगा 15 फरवरी से, तो क्या कुछ देखने को मिलता है इस आंदोलन में, कितनी छवि जो है सुधरती है हेमंत सोरेन की, क्या छवि में बदलाव आता है, सारी कुछ बातें जो है आंदोलन के बाद देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।